हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज ओम प्रकाश। आपके लिए बहुत ही शानदार टॉपिक है प्रेजल वर्ब, लेके आपके सामने लेकर आ रहे हैं। 21 के योग से बनती है वर्ब प्लस प्रीपोजिशन वर्ब प्लस एड वर्ब के इसके योग से इसको तैयार किया जाता है। आपके सामने एक लेके हैं, पहले लेके आए थे ब्रेक से बनने वाले, उसके बाद में ब्रिंग से बनने वाला, जो केरी से बनने वाली, वो एक आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आज देखते हैं केरी ओवर, जिसका अर्थ क्या है, आगे बढ़ाना या स्थगित करना। हम सेंटेंस के अनुसार इनका अर्थ देखेंगे। देयर वॉज नो टाइम टू डिस्कस द प्रपोजल, सो देन कमेटी, इसके बाद ब्लिंक दे रखा है इट, उसके बाद ब्लिंक दे रखा है टू द नेक्स्ट मीटिंग। तो हम क्या करेंगे, जो पहले कार्य कर दिया जाता है, यानी जो पहले कार्य हो गया था और जो पहले कार्य हो जाता है, उसमें होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्रिया की सेकंड फॉर्म। तो हम पहले क्या लिखते हैं, इसमें क्रिया की सेकंड फॉर्म लिखते हैं, क्या हो जाएगी, कैरीड। और उसके बाद में दूसरा ब्लिंक दे रखा है, उसमें क्या लिख देंगे, ओवर। कभी कभार क्या होता है, दो ब्लिंक दिए जाते हैं, उसमें हम थोड़े अपडेट हो जाते हैं। इसमें कहीं कहीं अपडेट होने की कोई बात नहीं, पहले हम क्या कर देंगे, वर्ब कर देंगे, दूसरे में हमारी जो प्रीपोजिशन एडवर्ब दी गई उसको हम फिल कर देंगे। अब हम सेंटेंस का देखते हैं कि हमारा एक नियम भी होता है कि जिन क्रियाओं के अंत में वाई हो, तो वाई को हटाकर हम क्या कर देते हैं, उसमें आई ई डी लगाने पर क्रिया की थर्ड सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों तैयार हो जाती है। तो हम देखते हैं वाक्य में, देर वॉज नो टाइम टू डिस्कस द प्रपोजल सो द कमेटी कैरीड इट ओवर टू द नेक्स्ट मीटिंग, कि प्रस्ताव पर चर्चा करने का समय नहीं था, इसीलिए समिति ने इस अगली मीटिंग को आगे बढ़ा दिया था या स्थगित कर दिया था। तो इसमें दोनों के अनुसार अर्थ ले सकते हैं। इसी प्रकार द गवर्नमेंट, उसका ब्लेम्ड द प्लान। तो आप इसमें देखेंगे कि पहले सरकार ने अपनी योजना बना ली थी, तो हम उसमें देखो जो कार्य पहले पूर्ण हो जाता उसमें आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हम क्या करते हैं, इसमें पहले क्रिया की सेकंड फॉर्म लिखते हैं, क्या जाएगी, कैरीड। उसके बाद क्या जोड़ देंगे इसमें, ओवर। तो दोनों का अर्थ हो गया आगे बढ़ाना या स्थगित करना। तो हम देखते हैं कि सरकार ने योजनाओं को आगे बढ़ा दिया था या क्या कर दिया था, स्थगित कर दिया था। तो दोनों में समर्थ है, ये जो एग्जाम्पल वो आपके लिए द चीफ मिनिस्टर, इसके बाद ब्लैंक दे रखा है हिज ट्रेवल, ये एग्जाम्पल आपके लिए। इसको टेंस को पहचान के आप क्या करना है, इसमें आपको फ्रेजल वर्ब का प्रयोग करना है कि इसमें कैरी ओवर आएगा या फिर या कैरी ओवर आएगा, यानी टेंस के अनुसार आपको इसका प्रयोग आपको करना पड़ेगा। उसी प्रकार हमारी है कैरी डबी, जिसका है हमारी इसी प्रकार क्या है, इसी प्रकार हमारी आप कौन सी आगे वाली कैरी अभी। तो आप उसमें देखें इसका अर्थ क्या, लुभाना, मोहित हो या उत्तेजित हो गया, फिर या आह्लादित हो उठा, इसके हम वाक्य के अनुसार हम इसका क्या करते हैं, अर्थ लेते हैं। तो हम इसमें देखेंगे ही वॉज, उसका ब्लैंक दे रखा है बाई हर ब्यूटी। तो आप देखेंगे तो इसके अनुसार आपको पता लगेगा कि वाक्य के अंदर कि आप, यानी पहले इसमें कार्य पूर्ण हो गया था, तो इसमें क्रिया की कौन सी अदा करते हैं, इसमें क्रिया की सेकंड फॉर्म लिखते हैं, क्या हो जाएगी, कैरी की हो जाएगी, कैरीड अभी। उसके बाद हम क्या लगा देंगे, अभी लगा देंगे, यानी इसके अंदर जो सेंटेंस होगा कि वह उसकी खूबसूरती पर मोहित हो गया था। तो दूसरा और सेंटेंस देखते हैं कि मोहन वो, उसके बाद ब्लैंक दे रखा है फिर बाई हर होम, यानी मोहन उसके घर पे मोहित हो गया था। इसमें भी क्या आएगा, क्रिया की सेकंड फॉर्म आएगी। तो हम पहले क्रिया की सेकंड फॉर्म लिखते हैं कैरीड, फिर लगा देंगे अभी। तो बहुत ही शानदार टॉपिक है, इसमें कहीं कहीं आपकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हमारा जो आगे वाला सेंटेंस है वो आपको खुद को पढ़ना है, व्हेन इंडिया वॉन द मैच द होल नेशन गो, उसके बाद ब्लैंक दे रखा है, या आपको टेंस को पहचान कर कि इसमें कौन सा टेंस है, फिर आपको इसमें क्या करना है, इसको पढ़ना है, फील करना है। और बहुत ही शानदार टॉपिक था, आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही शानदार तरीके समझाएं। इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू।